ये मैं इनको कद्दू के बीज डाल रहा हूँ, ये देखें ये कद्दू के बीज है, ये सफ़ेद, ये देखें ये बीज निकले हैं, ये देखें किस तरह बड़े शौक से खा रहे हैं। ये ज़्यादा पके हुए बीज नहीं है, कच्चे बीज हैं। और भी मैं कद्दू लाया हूँ पक्का हुआ, वो आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, काट के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा पक्का हुआ सख्त कद्दू है, ये बीज निकलेंगे से, ये बीज देखें कितना शौक से खा रहे हैं। अभी मैं इसको काट लेता हूँ, ये देखें ये बीज देखें, ये वाले बीज, ये वाले बीज इनको मैं डालता हूँ। अभी मैं सारे बीज निकाल लेता हूँ इनसे, ये देखें ये। ये वाले बीज इसके भी निकाल लो, इसके अंदर भी काफ़ी बीज हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ासकर आजकल तो मुल्तान में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। ये देखें ये देखिए ये वाले बीज, कोई दोस्त कहते हैं आप पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं इनको। दोस्तों जो चीज़ खिलाता हूँ इनके लिए फ़ायदेमंद ही होती है, तो मैं अक्सर खिलाता रहता हूँ, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखें ये कब बीज देखें, ये सारे बीज निकले हैं, ये देखें बहुत ही नरम बीज हैं, ये सारे ही खा जाएंगे। ये देखें अक्सर चीज़ में ये बीज ही ढूंढते हैं, जैसा कि मैं तरबूज आपको खिला के दिखाया था उसमें भी ये बीज ढूंढ रहे थे। ये देखें सारे बीज निकाल लेता हूँ, इसमें भी कुछ पड़े हुए हैं अभी बीज। ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए, इससे भी निकाल लिए बीज, ये देखें ये बिल्कुल खाली है, इसको रख देता हूँ। ये भी खाते भी हैं ये, लेकिन इसके अंदर जो बीज होता है वो बड़े शौक से खाते हैं, बीज के तो ये दुश्मन है। किसी चीज़ का बीज होता है, तरबूज खाओ खरबूजे खाओ कद्दू का बीज हो और भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं। ये इससे मैं अभी इससे निकाल लेता हूँ, इसमें पड़ा हुआ है अभी, ये देखें ये देखें वह नीचे पड़ा हुआ नीचे खा ले, ये देखें नीचे पड़ा हुआ नीचे नहीं खा रहा, ये देखें इससे बड़ी जल्दी है। ये भी मैं रख दूंगा, ये भी खा जाएंगे जब इनको भूख लगेगी।
आपस में चिमटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये बीज खाते हैं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ये बीज ही खाते हैं अंदर। ये देख, काफ़ी दोस्त पूछते हैं आपके जो बर्ड्स हैं इतनी हेल्दी क्यों हैं। ये देखिए, मैं इसलिए इनको ये चीज़ें खिलाता हूँ, बीज वगैरह खिलाता हूँ, ज़्यादा टमाटर भी खिलाता हूँ इनको। टमाटर के बीज ये भी अंदर से साफ ही कर लेते हैं, टमाटर को बिल्कुल कचरा ही कर देते हैं। तकरीबन जितने भी फ्रूट्स हैं या कोई भी चीज़ है उसमें से बीज ज़्यादा निकालते हैं। हाँ, बीज ज़्यादा निकालते हैं। ये देखिए, बीज ये ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो जो हमारे जिन दोस्त ने रखे हुए हैं बर्ड वगैरह, अगर वो खरीदते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जैसे खीरा वगैरह खरीदते हैं उनको? हाँ बिल्कुल, पक्की हो ज़्यादातर, वो अंदर बीज हो ज़्यादा पका हुआ हो, वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वैसे अगर आप कच्चा डालेंगे, जैसा कि कद्दू को कच्चा लोग भाई भी डालते हैं, लेकिन वो कचरा कर देते हैं, शिकायत ये होती भी कचरा कर देते हैं सारा, उसमें बीज ही ढूंढते हैं, ये बीज खा लेते हैं, बीज ही ढूंढते हैं ज़्यादातर, वो बीज ज़्यादा शौकीन बीज के, खास कर देने से ज़्यादा पक्की चीज़ को ये लाइक करते हैं जो बीज हो। बिल्कुल, इसके अंदर बीज हो, बीज वाली चीज़ शौक से खाते हैं। घरेलू चीज़ ऐसे भी होते हैं, कोई सब्ज़ी वगैरह आते हैं जो ख़राब होती है, जैसा कि भिंडी वगैरह, भिंडी जो पकी हुई होती है उसके अंदर बीज होते हैं, तो वो भी इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, भिंडी के बीज भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह है भिंडी की, किस तरह खाते हैं ये, और किस तरह खिलाना चाहिए, और किस तरह की भिंडी लेके आनी चाहिए। काफ़ी शौक से खा रहे हैं मतलब। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखें, बड़ी शौक से ये खा रहे हैं बीज। अभी आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखें बीज तो ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, बीज तो ये बिल्कुल ही खा जाते हैं। इस वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको मैं दिखाऊं कि ये कौन कौन सी चीज़ खाते हैं और क्या चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। काफ़ी दोस्तों रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ रोटी इनको डाल देते हैं, रोटी इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है, इनके जो पार हैं वो झड़ जाते हैं। तो अक्सर ऐसी चीज़ें खिलाएं जैसा कि सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छी है।